Welcome students, today I am going to start with the new topic of the chapter Consumer's Equilibrium Through Indifference Curve Analysis. In this I am going to teach you what is Consumer's Equilibrium. Consumer's Equilibrium jo hai hum utility analysis mein already padh chuke hain ki definition kya hai. It is a point at which the satisfaction level of the consumer is maximized. तो ये एक ऐसा बैलेंसिंग सिचुएशन है, दैट मीन्स कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो कंज्यूमर है उस पॉइंट ऑफ बैलेंस से डेविएट नहीं होना चाहता है, बिकॉज उस पॉइंट पे जो कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैक्सिमाइज है. अगर हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करें कि जो कंज्यूमर है उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो कंडीशंस हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, दे आर टू कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट जो कंडीशन है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन कमोडिटी एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई. सो बेसिकली दिस इज द मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, दैट इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट गुड एक्स फॉर गुड वाई. दैट मीन्स दिस इज द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एंड दिस इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन. So the point at which slope of the indifference curve is equal to slope of the budget line is called consumer's equilibrium. तो वहाँ पर जो consumer है वो equilibrium point पर चला जाएगा. Next जो condition है वो है, that means at the point of equilibrium indifference curve is convex to the origin. Convex at the point of equilibrium. अगर हम फर्स्ट कंडीशन को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें, सो एक्स एक्सिस हमारा गुड एक्स शो करता है और वाई एक्सिस हमारा गुड वाई शो करता है. लाइन ए बी शोइंग द बजट लाइन एंड दिस इज इंडिफरेंस कर्व. सो एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन, दैट मीन्स एट द पॉइंट वेयर, दैट इज एट पॉइंट ई where the slope of the indifference curve is equal to slope of the budget line, the consumer is at the equilibrium point. अगर हम इसके beyond किसी भी point की अगर हम बात करते हैं, that means any point to the left of E, so that means any point to the left of E results in MRS, that means margin rate of substitution between commodity X and Y is greater than price of good X and price of good Y. So basically अगर होगा क्या, अगर consumer का जो willingness है वो ज़्यादा है उसके slope से, budget line के slope से, तो consumer क्या करेगा, consumer tends to increase the consumption of good X and decrease the consumption of good Y. So अगर कोई भी अगर point है इसके beyond, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स. सो एनी हाउ कंज्यूमर विल रीच टू दिस पॉइंट, दैट मीन्स एट पॉइंट ई. और अगर कोई भी पॉइंट, दैट इज एनी पॉइंट टू द राइट ऑफ ई, अगर कोई भी पॉइंट राइट है ई के, सो उस पॉइंट पे एम आर एस, दैट मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन कमोडिटी एक्स एंड वाई इज लेस देन स्लोप ऑफ द बजट लाइन. तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये है, दैट मीन्स द कंज्यूमर की जो विलिंगनेस है टू सब्सटीट्यूट गुड एक्स फॉर गुड वाई इज डिक्रीजिंग. दैट मीन्स कंज्यूमर की जो विलिंगनेस है वो डिक्रीज हो चुकी है और उसको कंज्यूमर इस कंडीशन में क्या करेगा, कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड स्टार्ट इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई. सो कोई भी पॉइंट अगर इसके राइट में है, पॉइंट ई के राइट में है, तो कंज्यूमर विल डिक्रीज
द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई टिल द कंज्यूमर रीचेज एट दिस पॉइंट. बिकॉज ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो स्लोप है बजट इंडिफरेंस कर्व का और जो बजट लाइन का जो स्लोप है वो दोनों ही हमारे क्या हैं, वो दोनों ही इक्वल हैं. सो दिस पॉइंट इज नोन एज कंज्यूमर्स बजट इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो बेसिकली ये दो ही कंडीशन है जो कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम को डिफाइन करती हैं. पहली है दैट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द बजट लाइन एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो दिस टॉपिक इज ओवर नाउ. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.